अरुण भाई बस अपने अपनी जगह पे आ रहे सब लोग। बस गाइस नहीं गाइस जनरली बस प्लीज राधिका जी लुक सेंटर। वाह राधिका जी लुक सेंटर। I'm very excited. I'm always excited to watch Anurag's film. So brand new actors and it looks completely new and very fresh and I'm very excited. I mean, I know Anurag, so I know what it is about, but I'm just excited because Anurag making something like this is very refreshing. मैं नहीं हूँ इस फिल्म में। हाँ। हाँ तो कुछ नहीं बताऊंगी मैं। राधिका जी आप एक्साइटेड हैं? कल से बजट आने वाला है तो क्या उम्मीद रखती है कि आप? कुछ नहीं बताऊंगी। हो गया। विनय। हाँ इधर ही हूँ। हो गया चलो बैठ कर। आप बताइए आप कैसे हैं? सर बढ़िया। अच्छा आपसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सर। आज हम ऑलमोस्ट मोहब्बत के मौके पर प्रेजेंट हैं यहाँ पर। आप भी यहाँ आए सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए अनुराग कश्यप साहब मुझे बहुत पसंद है डायरेक्टर राइटर, और उनकी पिक्चर मैं मिस नहीं करता हूँ, तो ये मुझे अच्छा मौका मिल गया कि रिलीज होने से पहले देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत खुशी है मुझे। सर अब लोगों का कहना है कि अनुराग कश्यप जी अपना जॉनर चेंज कर रहे हैं, एक अब रोमांटिक में आ रहे हैं, तो आई डोंट नो कितना अच्छा। देखिए जो अच्छा सिंगर होता है वो किसी भी सुर में गा लेता है, तो जो अच्छा डायरेक्टर है वो किसी भी सुर में पिक्चर बना लेगा, और मुझे यकीन है कि जब अगर वो लव स्टोरी बनाई है उन्होंने तो वो भी कुछ अलग ही तरह की होगी, वो मामूली नहीं होगा। सर मोहब्बत के बारे में आपका क्या राय है? सर मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते होंगे। सर मैं आपसे करते हैं ना, बस फिर क्या है प्रॉब्लम? सर बजट आने वाला है सर, कल से बजट आने वाला है फरवरी। आपकी क्या उम्मीदें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टैक्स, आप बताइए कि क्या क्या थोड़ा सा? ये अचानक आपने लीप बहुत लंबी ली, मोहब्बत से आप बजट तक चले गए, ये आपने मुझे, मैं तैयार ही नहीं था, मैं तो अभी मोहब्बत के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो बजट जो है के बारे में मैं कल सोचूंगा जब देखूंगा उसे। ओके बाबा सर आने ही वाला है। चलो ट्रेलर आपने देखा होगा सर, कैसा लगा आपको ट्रेलर एंड क्या कुछ उम्मीदें रखना चाहते हैं आप इस फिल्म से? सर मुझे अनुराग सर की फिल्म से वैसे ही बहुत उम्मीदें होती हैं। आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क सिंस आई थिंक आई केम टू द इंडस्ट्री, एंड आई लव करण से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहली बार यहाँ पर उससे मिला था। ही इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्टर एंड अलाया ऑल्सो एंड विकी इज़ ऑल्सो इन इट। वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म एंड या फिर देख के फिर बात करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अनुराग जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अपना जॉनर चेंज कर दिए, लाइक अनुराग सर का जॉनर क्या है? रोमांटिक पे आ गए, वो तो मनमर्जी भी तो रोमांटिक थी। हाँ तो ये चेंज कर रहे हैं तो कितना अनुराग सर कोई जॉनर नहीं है, दैट्स द ब्यूटी अबाउट दैट मैन। उनका कोई जॉनर नहीं होता, वो दोबारा भी करेंगे, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी करेंगे, वो ब्लैक फ्राइडे भी करेंगे, वो ये वाली फिल्म भी करेंगे, वो सब करते हैं यार। ही इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, दैट्स व्हाई पीपल लव हिम आई थिंक। थैंक यू सर। एंड सर ये बजट आ रहा है कल से, हाँ क्या उम्मीदें रखते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिले टैक्सेस की, आप बताइए? आई मीन हाँ राहत आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हाँ, तो फिर वही उम्मीद रखते हैं। अच्छा मतलब और क्या। थैंक यू। Look center.
स्टार्टिंग से बहुत एक्साइटेड थी. आई थिंक अलाय और करण बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं एंड ये करण की फर्स्ट मूवी है तो मैं देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड नाउ इवन विक्की कौशल इज इन द मूवी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी हमने देखा है, ऑसम है. थोड़ा सा आप बता दीजिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे आपने बोला बहुत ऑसम है, बट आप और देखोगे तो मैं बाद में और बताऊँगी. अभी नाउ दिस इज करण एंड अलाय इज नाइट. हम आई थिंक एवरी वन इज लविंग इट. इट्स सलमान सर, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. एवरी वन लव्स एनी थिंग दैट ही डज. वो जो भी छूते हैं वो सोना बन जाता है. तो बहुत एक्साइटेड हूँ जी. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. बहुत एक्साइटेड. ये इंटरव्यू का पार्ट है. आप जनरली मुझे पूछ रहे हो, ठीक है, ओके. नहीं था लेकिन ट्रेलर बहुत ही ऑसम है एंड आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हम सब इस फिल्म पे पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. ये एक्चुअली मेरी डेब्यू मूवी होने वाली थी तो When did you arrive? From the airport, 10 minutes ago. No brother, यहाँ पे सब time पे हैं. सब time पे हम. ठीक है भाई. तो हम मैं कह रही थी कि ये इस फिल्म को हम पिछले 4 साल से बना रहे हैं तो ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल है. ये मेरी पहली मूवी होने वाली थी लेकिन अभी मेरी तीसरी है एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड. अच्छा ना, फ्रेडी आ गई, लोगों ने आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की. थैंक यू. और आज 3 इयर्स सिंस जवानी जाने मन है तो बहुत एक्साइटिंग दिन है मेरे लिए. जवानी जाने में मेरी पहली मूवी थी और उससे मुझे मेरा जो भी रिकॉग्निशन है जो भी सब कुछ है जवानी जाने मन से ही मिला तो बहुत ही स्पेशल फिल्म है. साथ ही इसका देखने के बाद लोगों का रिएक्शन काफ़ी अलग अलग कौन से लगा अभी तक? टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सबसे. कुछ अलग बनाया सर ने हमारे साथ तो हम बहुत एक्साइटेड है. आज हमारे दोस्त आए हैं, फैमिली वाले आए हैं सब देखने के लिए तो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हो ही नहीं सकती. थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि वो लोग देख रहे हैं तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड है हमारे. नहीं वही आई थिंक ये एक लव स्टोरी है लेकिन ये एक अनुराग कश्यप लव स्टोरी है तो थोड़ी सी अलग तो होगी बट दैट्स द ब्यूटी. थैंक यू. अनुराग सर, मेरी बाइक से कुछ लोग हैं ना, रोज चेक मैं हेडलाइन. अनुराग सर, सेंटर देने दो आपको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई लग रहा है. अरे अभी बहुत सारी और दिक्कत है पहले सॉल्व. अरे मैं बात फोन नीचे करना है, बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं अपने घर का बजट नहीं संभाल पाता देश के लिए. अरे प्रभात फोन नीचे कर. आगे कुछ नहीं पता मुझे, कल क्या होने वाला है भाई.
यहाँ पे विजुअल यहाँ पे चलो रोल है रोल है रोल है लवली ट्रेलर ऑल द बेस्ट टू अलाया एंड टू करण एंड टू अनुराग आई होप इट डज वेरी वेरी वेल एंड इंडस्ट्री स्लोली पिकिंग अप आवाज क्यों नहीं आ रहा आवाज क्यों नहीं आ रहा ऑल द बेस्ट